नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है तीसरा दिन और मिडवीक सेशन है। किस तरह से बाजार आज ट्रेड करेंगे इस पर तो आशीष हमारी नजर रहेगी, पर सबसे पहले ग्लोबल क्यूज पर एक बारी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में तो कल शानदार तेजी हमें ओपनिंग पर आती हुई दिखी, पर ऑब्वियसली यहाँ पर हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से गिरावट भी आई और ऑलमोस्ट करीबन आधे परसेंट की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ रहा है। 18,800 के पार एसजीएक्स निफ्टी अब ये लेवल्स दिखाते हुए दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव संकेत हमारे बाजारों के लिए फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बारी अमेरिकी बाजारों पर भी नजर डालते हैं, डाउ फ्यूचर्स किस तरह से वहां पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के सत्र में ऑलमोस्ट 0.3% की गेंस के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। डाउ फ्यूचर्स में भी लगभग 80 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है एंड साथ ही नैसडैक पर भी ऑलमोस्ट 34 अंकों की तेजी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्यूज जो है आगे के लिए भी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह के संकेत आ रहे हैं। निकाय और कॉस्पी यहाँ पर एक बारी हम आपके सामने लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.1% की तेजी के साथ निकाय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही हैंगसेंग में भी इक्वल तेजी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि शंघाई कॉम्पोजिट में ऑलमोस्ट फ्लैट से ट्रेडिंग है, बट डेफिनेटली कच्चा तेल यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। 3% की तेजी है, ऑलमोस्ट फ्लैट से ट्रेडिंग है, बट डेफिनेटली कच्चा तेल यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। 3% की तेजी है, बट लार्जली जिस तरह की $90-95 के एवरेज पर हम पहले ट्रेड करते थे उसके मुकाबले तो हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजिशन पर हैं। अब $80 के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कल 3% की तेजी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मोर इंटरेस्टिंगली FIIs यहाँ पर खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। 620 करोड़ रुपए की कल कैश मार्केट में यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं FIIs का जो सेलिंग का आंकड़ा था, इसके पहले भी अनिल सर कल डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर आंकड़े बिकवाली के छोटे होते जा रहे हैं, पर कल के दिन में तो यहाँ पर खरीदारी भी लौटती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर संकेत पॉजिटिव लग रहे हैं और मेरी टीम में सभी के सभी खरीदारी के स्टॉक है। आशीष, आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं आज? देखिए, सारे स्टॉक खरीदारी के, लेकिन कुशल कल जिस प्रकार से अमेरिकन मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला, कल 7:30 बजे के करीब जिसने फ्यूचर्स का लाइव एक्शन देखा, डाउ फ्यूचर्स और नैसडैक फ्यूचर्स, उसको तो अभी जो तेजी दिख रही है स्पॉट इंडाइसेस में और एसजीएक्स निफ्टी सॉन्ग ऊपर दिख रहा, बड़ा निराशाजनक है। 4% ऊपर इंडेक्स नजर आ रहे थे, वहां से अगर आप देखो तो बेहद फ्लैट। इनफैक्ट डाउ को तो एक बार रात को मैंने देखा था करीब 11 बजे के आसपास लाल निशान में भी आया था, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर देखने को मिला था। लेकिन शुरुआत कर लेते कैश की कैटेगरी के साथ, आप बताइए क्या खरीदा? देखिए, कैश स्पेस में मुझे ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कल के सत्र में भी हम देख रहे थे जीटी केटी गैब्रियल इंडिया 4-5% के दमदार गेंस दिखाते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी स्पेस अब दोबारा फोकस पे आते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस वजह से मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है उनो मिंडा का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसके पहले मिंडा इंडस्ट्रीज इसका नाम हुआ करता था, बदलकर उनो मिंडा इसका नाम रखा गया है एंड अब 560 रुपए के टारगेट इसके भी बनते हुए नजर आएंगे। कल के सत्र में चार्ट मोमेंटम भी देखेंगे तो इसका भी बेहतरीन बनता हुआ नजर आया था। करीबन 2-2.5% तक की तेजी यहाँ पर आपको इस स्टॉक पर आती हुई नजर आई थी, तो यहाँ पर लगभग 544 रुपए की क्लोजिंग रही है। 560 रुपए के टारगेट की खरीदना है, 537 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो मेरी तरफ से हो गया। आशीष, आपने कौन सा स्टॉक चुना है, आप कौन से स्टॉक के साथ पारी की शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत करूंगा जिंदल सौ के साथ। स्टॉक के ऊपर खास फोकस रखना है, काफी दिनों पहले भी स्टॉक के स्ट्रक्चर की चर्चा की थी कि किस प्रकार से आप देखिए जो पाइप बनाने वाली कंपनी थी इनमें एक तरफा तेजी आ रही थी, लेकिन इसके बाद बड़ा करेक्शन आया था और इस करेक्शन के बाद अगर आप देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंडलाइन के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया और काफ़ी हद तक अब सस्टेन कर चुका है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, टेक्निकल्स बहुत मजबूत है और कल भी करीब 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि बड़ा रिवर्सल यहाँ पर अब चार्ट पर आ गया और जो प्राइमरी ट्रेंड है उसको ये स्टॉक रिज्यूम करेगा, तो करीब करीब 100 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आज भी हो सकता है कि आपको 4% का मूव देखने को मिले, लेकिन सेफर साइड 97 रुपये का, या फिर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार लगा लीजिए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, समय दीजिए, जिंदल सौ में दोबारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में देखिए बहुत मन था कल जब देर शाम को फ्यूचर्स देख भी रहे थे, डाउ फ्यूचर्स नैसडैक फ्यूचर्स, तो ऐसा लग रहा था कि बस आईटी भर लोगे टीम में काम चल जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो मैं फिर भी मैं मान रहा हूँ क्योंकि कल भी परसों भी चल गया था डाउ, कल भी चल गया है, तो ठीक है, थोड़े कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का और आईटी स्टॉक्स में करेक्शन भी आ चुका है। तो एक कोटक महिंद्रा बैंक का जो फ्यूचर दिख रहा है शायद ये आपकी लिस्ट का है, आपका सस्पेंस खत्म कर दिया गया है। मैं अपना जो फ्यूचर बता रहा हूँ वो है कोफोर्ज, यहाँ पर फोकस करके चलिएगा। नैसडैक की जो तेजी आई है इसका सीधा संबंध है
4000 रुपये के लिए करी खरीदारी और 3900 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, एंड इनफैक्ट देखिए आईटी और बैंक्स ये हमारी फोकस इसमें लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से तेज़ी अमेरिकी बाजारों में होती दिखी है, डेफिनेटली आईटी काउंटर्स आज आपको रेडार पर रखना चाहिए, और खासकर मिड कैप आईटी काउंटर्स जैसे कि आशीष आपको बता रहे हैं कोफोर्ज, यहाँ पर डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे हाई बीटा काउंटर इनफैक्ट मैं कहूँगा आईटी स्पेस से, मिड कैप आईटी स्पेस से ये काउंटर है, तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर्स आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से जैसे कि हम दिखा रहे थे आपको स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक का, यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। कल के सत्र में भी हमने देखा, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में तो हम ये ढूंढ रहे थे कि कौन से ऐसा स्टॉक है जिसने सर्किट नहीं लगाया है, तो लार्जली जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में तेजी है, मुझे लग रहा है कि अगर सेक्टर रोटेशन विद इन दिस स्पेस अगर होता है तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। कल के सत्र में भी चार्ट सेटअप थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया था, जिस तरह से आखिरी 1.5 से 2 घंटे में बैंक निफ्टी में चाल दिखाई थी, तो कोटक महिंद्रा बैंक अपने रेडार पर रखे। यहाँ पर अच्छी वैल्यूएशन अब वापस से बनती हुई नजर आ रही है खरीदारी की, इंटरडे में प्ले करके चलिए 1930 रुपये के लक्ष्य के लिए 1855 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और आज के लिए मेरा बेस्ट ऑप्शन है इन्फोसिस पर, माफ कीजिएगा विप्रो पर, इन्फोसिस में आगे वाली आपको जो है यहाँ पर सस्पेंस अपना खत्म कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शंस कैटेगरी में विप्रो पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट आफ्टर मार्केट्स में भी देखेंगे तो इसके ADR में 1 से 1.25% की तेजी रही थी, और क्लोजिंग के लिहाज से भी ADR में 1 से 1.5% की गेंस हमें देखने को मिले थे, तो ऑल इन ऑल 2 से 2.5% की गेंस की हम एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। और कल के सत्र में ऑब्वियसली नैसडेक में अच्छी तेजी बनी थी, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स तेजी से घटती हुई नजर आई, तो विप्रो 400 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, यहाँ पर 8 रुपये पर अवेलेबल है। 16 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऑप्शंस के माध्यम से मेरा भी फोकस पूरी तरीके से आईटी स्टॉक्स पर, इनफैक्ट फ्यूचर्स में कोफोर्ज बताया और ऑप्शंस में रिइटरेट कर रहा हूँ, कल जो स्टॉक बताया था, कल जो लेवल बताए थे बिल्कुल वही, क्योंकि कल लक्ष्य हासिल नहीं हुए, मुझे कोई भी शर्म नहीं है बताने के लिए, लेकिन कल 0.5% की तेजी के साथ LTTS बंद हुआ था। आज हो सकता है कि यहाँ पर मूव आपको देखने को मिले, तो फोकस करके चले, जिन्होंने कल खरीद रखा है होल्ड करें, जिन्होंने नहीं खरीदा फोकस करेंगे यहाँ पर LTTS 3900 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 129 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब राउंड फिगर 100 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो जान लिए, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक और फंडापिक, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, कुशल बताइए। देखिए आशीष, टेक्नोपिक के आधार पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, और ये इन्फोसिस ये काउंटर है जहां पर हमें फोकस रखना है। दरअसल विप्रो के बाद मुझे लग रहा है कि यहां पर इस काउंटर में भी अच्छी तेजी रह सकती है। इनफैक्ट जब US के मार्केट्स कल खुले थे तो उसके बाद मैंने देखा कि इन्फोसिस के ADR पर किस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही शानदार तेज़ी, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की तेज़ी तो यहाँ पर देखने को मिली थी, पर उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए नजर आए, पर कल जिस तरह का मोमेंटम इस काउंटर में बनता हुआ दिखा है हमारे यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी और भी बरकरार रह सकती है, और वैसे भी ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है, तो इन्फोसिस चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती है। 1610 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए, 1555 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस आज के लिए बनेगा। आशीष आपने क्या लिया? देखिए चुना है मैंने स्टॉक कल्पतरु पार, यहाँ पर आपको करना है फोकस, और जैसे कि कल भी कुशल हम बात कर रहे थे कि कुछ बड़ा फैंसी नहीं है मेरे पास इंडिकेटर, बड़े सिंपल सा लॉजिक है कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है, और बस इसी के चलते स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। कल एक स्टॉक बताया था पॉलीकैप, वायदा बाजार का स्टॉक, 5% का टारगेट दिया था, 5% के आसपास की तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिली थी। सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन पॉलीकैप में एक तरफा तेजी थी, कल्पतरु पावर में अगर आप देखें तो बहुत कई सालों का जो कंसोलिडेशन है वो टूटा, और बहुत बार प्रयास करने के बाद ये जो हाइज हैं दोबारा निकले हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर समय जरूर देना चाहिए, और फिलहाल जो 561 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है, आप इसे 1 महीने का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें, यानी टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है। 1 महीने में चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी एग्जिट करेंगे, लेकिन जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं करीब 600 रुपये के पार के निकल आ रहे हैं, सिफर से 620 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है, खरीदें ना खरीदें चार्ट एक बार जरूर देखें, कल्पतरु पावर बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए सरकारी कंपनियों से नजर नहीं हट रही है, कोई भी स्पेस में सरकारी कंपनी देखे तो कमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप ब्रेकआउट ढूंढने जाएं तो सबसे ज्यादा अगर कहीं ब्रेकआउट है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्पेस में है। SJVN ये स्टॉक मुझे पसंद है, NHPC भी बढ़िया, आपको जो अच्छा लगे खरीदारी करके चल सकते हैं, और इन स्टॉक्स के अंदर बड़ा बज आपको देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी आई थी वहां से करेक्ट हो गए, अब दोबारा जो अपना प्राइमरी ट्रेंड है रिज्यूम करेंगे, तो 3 महीने का समय दीजिए। ये जो 38 के आसपास आपको SJVN मिल रहा है इसमें क्षमता है कि 45 के पार जाए, और बड़े बड़े टारगेट्स हैं यहाँ पर, तो खरीदारी करेंगे SJVN में। चलिए डेफिनेटली SJVN
ये रेडार पर आ रहा है, सरकारी कंपनियां लगातार फोकस में बनी हुई है। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है टीवीएस मोटर्स का काउंटर, यहां पर खरीदारी करनी है तो ऑटो एंसिलरी के साथ साथ ऑटो ओईएम्स यहां पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। और इनके लिए तो खबर भी आती हुई दिख रही है कि टर्की में जो यूरो 5 कंप्लायंट है इनके प्रोडक्ट्स हैं वो ये उतारने वाले हैं। एंड डेफिनेटली ये जो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें टीवीएस जुपिटर एंटॉर्क रेडर और साथ ही अपाचे आरटीआर 200 4V, तो ये जितनी भी इनकी प्रीमियम बाइक्स हैं ये डेफिनेटली यहाँ पर आगे मार्केट शेयर गेन्स करने में इनको हेल्प करेंगी। और अगले 12 महीनों के लिए यहाँ पर 1200 रुपए के टारगेट से, यानी कि मौजूदा भाव आप देखिए तो यहाँ पर लगभग 10-15% के गेन्स तो आपको कंफर्टेबली टीवीएस मोटर्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगले एक साल के लिए 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, एंड इन्वेस्टमेंट पिक भी मैंने ऑटो ओईएम्स चुना है, पर यहाँ पर जो फोकस है पैसेंजर व्हीकल्स और साथ साथ जो इनके ट्रैक्टर स्पेस है उस पर अब बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने आपको लिंक करके बताया था कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा सीधा फायदा इनको ट्रैक्टर स्पेस से महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिलता हुआ नजर आएगा। बड़ा मार्केट शेयर है और आगे के लिए भी ट्रेजिक्ट्री अच्छी लग रही है। तो अगले एक साल में 1600 रुपए के लक्ष्य अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिवाइज लेवल्स पर आते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था पर लक्ष्य उस टाइम 1300-1400 रुपए के दे रहा था, बट डेफिनेटली जिस तरह के यहाँ पर मूव आते हुए दिख रहे हैं और जो आगे के फंडामेंटल्स हैं उससे M&M चार स्ट्रक्चर पर और आगे की लंबी अवधि के लिए काफी पॉजिटिव लग रहा है। निवेश के लिहाज से M&M ये खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जिसमें बड़ी गिरावट आ गई, बड़ी तो नहीं मानेंगे लेकिन करेक्शन और मौका है, ऐसे स्टॉक तो इन्हीं समय पर खरीदा जाता है, वो है डीमार्ट। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, हाई से करीब 30% नीचे। कंफर्ट आता है कि किसी भी बाजार में लंबी अवधि के लिहाज से अगर कोई स्टॉक निवेश करना हो तो डीमार्ट हो सकता है, क्योंकि अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। पिछले 5 साल में मुनाफे में देखें तो 26% CAGR की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो सिर्फ एक साल का समय देकर तो देखें, यहाँ पर आपको 5100 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं देखने को मिल सकते हैं, डीमार्ट खरीदारी करेंगे। अब बात करें खबरों के लिहाज से, तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक पसंद है वो है ग्लोबल स्पिरिट्स, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि स्टॉक टेक्निकल तौर पर भी कल मेरे रिडार पर आया था यहाँ पर, फिर इसको संभाव मैंने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन आज एक खबर ये आ रही है कि इनकी एक एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट होने वाली है, वो है अबेकस असेट मैनेजर्स के साथ। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अगर हिस्सेदारी खरीदते हैं, बढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, रिपोर्ट भी निकालते हैं, तो इसका एक बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। 950 रुपये का लक्ष्य, 900 रुपये का राउंड फिगर लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए तो ग्लोबल स्पिरिट यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव रह सकती है। चलिए मेरी तरफ से है ONGC का काउंटर, ऑयल प्रोड्यूसर है और कच्चे तेल में लगातार पिछले 2 दिनों में आप देखिए तो ऑलमोस्ट 6% तक की तेजी हमें देखने को मिली है। कल के सत्र में भी 3% ज्यादा के गेंस थे, तो इस वजह से ONGC इस खबर के दम पर यहाँ पर आज चल सकता है। कल के सत्र में भी अच्छी तेजी बनाई थी, 150 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की है कीजिए, 141 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स आपको बता दिए हैं, आखिरी कैटेगरी है माय चॉइस। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माय चॉइस। तो यहाँ पर पहला स्टॉक मेरी लिस्ट में है, खरीदारी करना है PNB हाउसिंग में। देखिए PNB समूह के जितने भी स्टॉक्स हैं कुशल, PNB गिल्ड्स अगर चलने लग जाए तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। PNB गिल्ड्स में कल ब्रेकआउट देखने को मिल गया था, 5% वो स्टॉक चल गया है। PNB के तो क्या कहने, बैन में रहकर भी लगातार तेजी आई है। PNB हाउसिंग इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 460 के लक्ष्य के लिए, 437 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में कार्बोरंडम यूनिवर्सल। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकली मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, रडार पर आ रहा है, 900 रुपये का टारगेट, 870 रुपये का स्टॉप लॉस है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, काफ़ी दिनों के बाद किसी की भी लिस्ट में आया होगा, वो है CESC। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो राउंडिंग माफ़ कीजिएगा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर अभी बन रहा है, पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, पहले खरीदारी कर रहे हैं और कोई बड़े टारगेट्स नहीं हमारे, 80 रुपये का टारगेट है और करीब करीब 78 रुपये का आप स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं, अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आएगी। चलिए तो 2 पावर स्टॉक्स आशीष की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए माय चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से है InfoEdge। सबसे पहले नौकरी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक दिन का भी या फिर 5 डेज का भी यहाँ पर फिर से निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी हो रही है और कल के सत्र में भी आप देखिए तो ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई थी। खरीदारी करके चलिए 4300 रुपये के टारगेट के लिए, 4140 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है
सरकारी बैंक कैनरा बैंक है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। पीएसयू बैंकों में तो डेफिनेटली मोमेंटम बहुत ही शानदार रहा है और एक फॉलो ऑन मूव मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस काउंटर पर भी अब आते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट जो दिग्गज सरकारी बैंक है वहाँ पर उतनी तेजी अब तक नहीं बनी है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पर आगे चलकर तेजी बढ़ सकती है। तो 340 रुपये के टारगेट आज के लिए बनाए इसमें 325 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है TCS पर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। तो विप्रो और इन्फोसिस मैंने आपको बताया, साथ ही TCS पर भी नजर रखिए। कल भी 1.25% की तेजी थी, पर यहाँ पर ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड करके चल सकते हैं। लगभग 60 रुपये पर इनका एट द मनी कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। 75 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 52 रुपये का स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रीकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में जिंदल 100, 104 रुपये का टारगेट है। कोफोर्ज में फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और LTTS 3900 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 129 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है कल्पतरु पार। फंडामेंटली SJVN में खरीदारी करनी है 3 महीने का व्यू बनाकर, और निवेश के लिहाज से खरीदना है अनडिस्प्यूटेड डीमार्ट, 5100 रुपये का लक्ष्य है। खबरों के लिहाज से ग्लोबल स्पिरिट्स पसंद आ रहा है, PNB हाउसिंग में आएगी तेजी, कार्बोरंडम 900 रुपये का लक्ष्य, और CSC 80 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक कल्पतरु पार, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिली है, बड़े कंसोलिडेशन के बाहर निकला है स्टॉक, में खरीदारी करेंगे 620 के लक्ष्य के लिए। चलिए कैश स्पेस में उनो मिंडा ऑटो एंसिलरी वैसे भी ऑन द मूव है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक काफी पसंद आ रहा है, चार्ट सेटअप यहाँ पर पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी अगर चलता है तो ये लीड करते हुए भी दिख सकते हैं। विप्रो और इन्फोसिस यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए, डेफिनेटली नैसडेक का अच्छा मूव है, बॉन्ड यील्ड भी गिरते हुए नजर आए हैं। साथ ही TVS मोटर्स अगले एक साल के लिए 1200 रुपये के लक्ष्य आपको दिखा सकते हैं। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में M&M भी काफी पसंद आ रहा है निवेश के लिहाज से, और ONGC कच्चे तेल में जिस तरह का मूव कल के सत्र में आया है यहाँ पर उस वजह से भी तेजी बन सकती है। और माइचेस कैटेगरी में इन्फोएज, कैन बैंक और साथ ही TCS का ऑप्शन आपको खरीदारी करने की राय है। इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है दिग्गज IT काउंटर इन्फोसिस का, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। कल के सत्र में नैसडेक में जिस तरह की तेजी रही है यहाँ पर भी 1610 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो कर दिया है, पर किस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हैं ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से US में आंकड़े आते हुए दिखे हैं महंगाई के, आशीष ये देखना हमें इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो इम्पैक्ट है हमारे मार्केट्स पर कैसा होगा। SGX निफ्टी हम देख रहे हैं लगभग 100 अंकों की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है वो डेफिनेटली बनती हुई नजर आ रही है। तो SGX निफ्टी अब आप देखिए ऑलमोस्ट 111 अंकों की तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं, बट यही थोड़ा सा चिंता का विषय है कि कल जिस तरह से डाउ जोन्स में ओपनिंग पर तेजी आई थी उसके बाद जो गिरावट आई है वो गिरावट क्यों आई है, और हमारे मार्केट जो है इस चीज पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्यूज लेते हैं। तो ऊपरी स्तरों से गिरावट तो डाउ जोन्स में आती हुई दिखी है, बट ओपनिंग शानदार थी।